तो हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो मैं प्रवीण, आज से हम यूपी पुलिस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपको पता होगा जो 35,000 पद आने वाले हैं उसी के लिए। तो पहली क्लास है जीएस की, ठीक है। तो उसके बाद हिंदी की भी क्लास आएगी, ठीक है। तो आज से ये क्लास वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना। जो आज की क्लास में लगभग आपको दादू 38% है, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1952 में, 1954 में, या 1958 में, या 1964 में। तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। और साथ ही आपको बता दूं, जो क्वेश्चन अगर डिस्कस करने लायक होगा तो उसे हम डिस्कस भी किए हैं, ठीक है, जो भी एक्सप्लेन करने लायक होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर प्रश्न, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चीनी यात्री फायान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यानी कि भारत आया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका जो उल्लेख पहली बार मिलता है, सेनानी का, पुरोहित का, शूद्र का, या सोमरस का। तो आपको बता दूं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो उल्लेख पहली बार मिलता है तो ये शूद्र का मिलता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं, जो सनातन धर्म में चौथा और अंतिम वर्ण शूद्र था, ठीक है, इसकी जो चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यानी कि 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है, अगुंतर निकाय, महावस्तु, महावंश, या जातक। तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा अगुंतर निकाय, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, या बलबन। तो आपको बता दूं, जिसने बाजार जो नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में किनके मध्य लड़ा गया था, अकबर राणा सांगा, अकबर हेमू, अकबर महाराणा प्रताप, या बाबर या मेदिनी राय। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। तो आपको बता दूं, जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो राजपूत और मुगल सेना के बीच में लड़ा गया था, और यह युद्ध जून 1576 में लड़ा गया था, ठीक है। और जो यानी कि अकबर ने क्या किया था कि मेवाड़ को पूर्ण रूप से जीतने के लिए अपनी तरफ से राजा मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी थी महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ने के लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अकबर और महाराणा प्रताप, तो 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जून 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध राजपूत और मुगल सैनिकों के बीच, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न, ठीक है, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्ला खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, सरोद, संतूर, हारमोनियम, या सेनाई। तो ये आपको पता होगा, उस्ताद बिस्मिल्ला खां का जो संबंध था वो आपको बता दूं, ये सेनाई से संबंध था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो उस्ताद बिस्मिल्ला खां हिंदुस्तान के विख्यात, आपको बता दूं, बहुत ही प्रसिद्ध सेनाई बादल थे, और इनका जन्म आपको बता दूं डुमराव बिहार में हुआ था। और आपको बता दूं, ये भी बता दूं कि 2001 में यानी कि 2001 में इन्हें क्या किया था, भारत के सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और यही हम बात करते हैं कुछ और वादक यंत्र की, जैसे कि आपको पता होगा हरप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी से संबंधित है, अमजाद अली खां ये सरोद से संबंधित है, और संतूर वादक ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। संतूर वादक की बात करते हैं तो शिव कुमार शर्मा, और यही हम सितार की बात करते हैं तो यहाँ पर निखिल बनर्जी जो बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, जो 3-4 नाम आपको मैंने बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न, जो इरडा नियमन करती है यानी कि बैंकिंग कंपनियों का, फुटकर व्यापार का, बीमा कंपनियों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह बीमा कंपनियों का नियमन करती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न जो यूपी पुलिस में पूछ ले जाते हैं, तो जो कुछ भी प्रश्न होंगे उसी के रिलेटेड होंगे, ठीक है। और आपको बता दूं, मैं पूरी तरीका से प्रयास कर रहा हूँ जो भी कंटेंट देने का, बहुत ही अच्छी तरीका से, और लगातार ये क्लासेस अगर आपको देखने को मिलेंगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर, जो महाद्वीप है यानी कि अफ्रीका में, या दक्षिण अमेरिका में, या एशिया में, या ऑस्ट्रेलिया में, जो अंधकार में जो महाद्वीप है, आपको बता दूं, ये आपको बता दूं अफ्रीका में है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, रोम शहर यानी कि जो नदी के तट पर बसे शहर होते हैं, यहाँ पर एक जरूर प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पर प्रश्न है कि जो रोम शहर है निम्नलिखित में किस नदी के तट पर बसा है, डेन्यूब, टाइवर, राइन, या एल्वे। तो आपको बता दूं, जो रोम शहर है यह टाइवर नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो
जोग या कोटालम या होगेनकल प्रपात या सिमसा प्रपात। तो इसमें भारत में सबसे ऊंचा जो यानी कि जल प्रपात कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये जोग जल प्रपात होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं जो जोग प्रपात है ये कर्नाटक में शरावती नदी पर है और इसकी ऊंचाई लगभग आपको बता दूं 250 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर है और यह चार छोटे छोटे प्रपातों जैसे राजा, राकेट, रोरर और दाम ब्लाचों से मिलकर बना है। और इसका एक अन्य नाम भी बता दूं, ये गढ़सोपा भी है इसका अन्य नाम, यानी कि ऐसे पूछ लिया जाएगा गढ़सोपा। ठीक है, तो जोग प्रपात को यानी कि गढ़सोपा भी कहते हैं और ये कर्नाटक में शरावती नदी पर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राज्यों में, ठीक है, भारतीय राज्यों में किस राज्य की जो समुद्री सीमा नहीं है, यानी कि बॉस उसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, तो इसका गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो किस राज्य की जो यानी कि समुद्री सीमा नहीं है, तो आपको बता दूं ये राजस्थान की, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न, यानी कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भारत में पहली बार यानी कि किसने किया था राष्ट्रीय आय का आकलन, किसने किया था, दादाभाई नौरोजी ने, आरसी दत्त ने, वी के आर वी राव ने या डीआर गाडगिल ने। तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आय का आकलन पहली बार किया था ये दादाभाई नौरोजी ने किया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अक्सर है जो प्रश्नों में पूछा जाता है। तो महालनोबिस मॉडल आपको बता दूं आर्थिक विकास का एक मॉडल है, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना मतलब यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना मतलब यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि किस समय लाई गई थी, आपको बता दूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में जो सर्वोच्च उत्पादकता है, ठीक है, तो कृषि, जो परिवहन, संचार एवं वाणिज्य या विनिर्माण या अन्य क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं परिवहन, संचार एवं वाणिज्य, वाणिज्य, तो इसकी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें पूछा है सर्वोच्च उत्पादकता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो लगभग आपको बता दूं कृषि क्षेत्र से लगभग जो उत्पादकता है आपको बता दूं 17% है, 17% जो यानी कृषि क्षेत्र से है। और इसी की अन्य की बात करते हैं, तो परवन की बात करते हैं, तो इसका मतलब यानी कि 18.5% है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ का राइट आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, यानी कि 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी को विरुद्ध लागू की जाती है, परमादेश, बंदी उपस्थापन या उत्प्रेषण या निषेध। तो इसमें कौन सी है, ठीक है, यानी तो आपको बता दूं इसमें जो परमादेश है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जाती है तो ये परमादेश रेट है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं। ठीक है, कभी कभी बहुत सरल भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं, क्योंकि आपको बता दूं जितने भी प्रश्न आएंगे 37 से 38 प्रश्न आएंगे जीएस के, तो उसमें आपको बता दूं 5 से 6 प्रश्न बहुत ही ईजी होंगे। तो भारत में नागरिक कितनी वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष या 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 18 वर्ष में जो यानी कि भारतीय नागरिक हैं वो वोट दे सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे जो पीछे के पुराने भी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, यानी कि 1 दिसंबर 2017 को किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। तो ये तो आपको पता होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नागालैंड हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड। अब आपको बता दूं हॉर्नबिल महोत्सव होता है वो नागालैंड का सबसे वार्षिक महोत्सव होता है, जो पूरी दुनिया से पर्यटकों को आकर्षित करता है। ठीक है, और ये महोत्सव प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, तो यही इसकी जो जो कुछ भी है, और ये दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, और ये पता ही होगा ये नागालैंड का सबसे वार्षिक महोत्सव है, बहुत ही प्रसिद्ध यानी कि ये महोत्सव है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और ऐसी क्लास डेली आएगी, जो भी प्रश्न होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे यानी कि गए हैं, 8वीं, 10वीं, 9वीं या 11वीं। तो पंचायती राज व्यवस्था जो का प्रावधान है भारतीय संविधान में किस अनुसूची में रखा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11वीं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जो पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है वो 11वीं यानी कि अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी कृति है, मतलब किसने लिखा है इसे, कृष्ण देसाई ने, प्रतिमा देसाई ने, अरुंधति रॉय या सलमान रुश्दी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा कृष्ण देसाई ने लिखा है, द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस कृष्ण देसाई ने लिखा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यही हम बात करते हैं जैसे अरुंधति रॉय की, क्योंकि आपको बता दूं ये इनसे अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, इन्होंने लिखा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और कृष्ण देसाई की बात करते हैं तो उन्होंने लिख ही दिया है द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। और यहीं पर हम बात करते हैं जो
यानी कि कुछ अन्य जैसे कि जैसे अर्नहॉर्न पामुकी, तो इनकी जो कुछ एक जैसे कि आपने पता होगा तो ब्लैक बुक लिखी है, तो ये ने लिखी है अर्नहॉर्न पामुक ने, ठीक है। तो कुछ आपको बता दी यहाँ पर बुक्स जो ज्यादा फेमस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहीं पर हम, यानी कि 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, यानी कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होगा, ठीक है। पुरुष का एक्स एवं स्त्री का एक्स, पुरुष का एक्स एवं स्त्री का बाई, पुरुष का बाई एवं स्त्री का बाई, या पुरुष का बाई एवं स्त्री का एक्स, ठीक है। तो आपको बता दूं ऐसे भी प्रश्न पूछ ले जाएंगे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर पुरुष का बाई और स्त्री का एक्स है तो ऐसे क्रोमोसोम मिलने से पुत्र का जन्म होगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, शिशु में पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, प्रोटीन विश्लेषण, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या गुणसूत्र गणन, या डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण। तो आपको बता दूं ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यूपी पुलिस में, जो भी साइंस से प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 22 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, कृषि उन्नति मेला 2017 का आयोजन 15 से 17 मार्च के मध्य कहाँ किया गया था। तो आपको बता दूं ऐसे भी प्रश्न पूछ ले जाएंगे जो कुछ पुराने प्रश्न होंगे, नई दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, या जयपुर। तो कृषि उन्नति मेला 2017 का जो आयोजन किया गया था 15 से 17 मार्च के मध्य, तो आपको बता दूं ये नई दिल्ली में किया गया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत को सामरिक दृष्टि से कमजोर करने हेतु चीन ने श्रीलंका के किस बंदरगाह में निवेश किया है, हम्बनटोटा, चाबहार बंदरगाह, या ग्वादर बंदरगाह, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हम्बनटोटा बंदरगाह है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 24 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न, ठीक है, जब बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, द्रव उबलने लगता है, या द्रव ठंडा हो जाता है, या द्रव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या द्रव बाष्पीकृत होने लगता है। तो इसमें क्या होगा, द्रव उबलने लगता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया, 1986 में, 1982 में, या 1989 में, या 1991 में। तो उत्तर प्रदेश में उर्दू को जो द्वितीय राजभाषा के रूप में इन्हें घोषित किया गया था, तो ये 1989 में किया गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को बनरोत के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश। आपको बता दूं ऐसे उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको पता ही नहीं होगा, पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जनजाति को बनरोत के नाम से भी जाना जाता है, तो बोक्सा, थारू, राजी, या जौन सारी। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा राजी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी जो संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है, इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में, या हरिद्वार में। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ये लखनऊ में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय ये लखनऊ में स्थित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 29 नंबर, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है, कर्मा, छपेली, नौटंगी, या चौनपुल। चौनपुल, तो इसमें कौन सा है सर्वाधिक जो प्रचलित लोक नृत्य है, तो आपको ये पता ही होगा, तो इसमें नौटंकी है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का कार्य राज्य की नीतियों का निर्धारण, कार्यपालिका पर नियंत्रण एवं विविध विभागों के मध्य समन्वय करना होता है, तो बताइए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपको राज्यपाल, विधानसभा, या मुख्यमंत्री, या विधानमंडल, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 31 नंबर प्रश्न, यानी कि कृषि श्रमिक यानी कि सामाजिक सुरक्षा योजना का उपलब्ध कराती है ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्ता युक्त जीवन, या अनुमानित आवासीय सुविधाएं, या पेंशन तथा बीमा लाभ, अतिरिक्त मजदूरी यानी कि रोजगार। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ ले जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि जो श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना को उपलब्ध कराती है पेंशन तथा बीमा लाभ, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग स्थापित किया गया यानी कि कब किया गया था, 1971, 1955, या 1976, या 1982। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, तो उत्तर प्रदेश में सामाजिक कल्याण विभाग स्थापित किया गया था, तो ये 1955 में किया गया था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस क्लास को आप डेली देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की जरूरत है, मूल अधिकार को, पूंजीवाद को, या आयात या निर्यात को, या पुलिस व्यवस्था को। राष्ट्रीय हित के लिए प्रभावी बनाने की जरूरत है ये पुलिस व्यवस्था को, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, यानी कि पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है पुलिस महानिरीक्षक द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा सुप्रेरणा से, या पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
35 नंबर प्रश्न, केंद्रीय सरकार पुलिस अधिनियम कब आया था, यानी केंद्रीय सरकार पुलिस अधिनियम कब आया था, 1861 में, 1890 में, या 1880 में, 1898 में। तो केंद्रीय सरकार जो पुलिस अधिनियम जो आया था वो 1861 में आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ ले जाएंगे, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भी नियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है, किसके होता है, ग्राम प्रधान के प्रति, जिलाधिकारी के प्रति, ठीक है, या पुलिस अधीक्षक के प्रति, या जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति। तो आपको बता दूं जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 37 नंबर प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है, ठीक है, देहरादून, लखनऊ, शिमला, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दूं तो केंद्रीय आलू अनुसंधान है तो इसी स्थित है, तो ये शिमला में है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं जैसे केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में है, उसी प्रकार से जैसे केंद्रीय चावल अनुसंधान की बात करें तो कटक में है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, यानी कि चावल अनुसंधान। यही तंबाकू अनुसंधान की बात करें तो ये राजमुंद्री में है, और भारतीय कृषि अनुसंधान की बात करें तो ये नई दिल्ली में है। यही 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जो गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, वर्ष 2000, वर्ष 2011, वर्ष 2005, या वर्ष 2007। तो गूगल की स्थापना 2011 में हुई थी। तो आज के जो भी हमारे प्रश्न थे 38 प्रश्न, वो यानी कि आप समाप्त होते हैं, और कमेंट करके जरूर बताना ये प्रश्न कैसे लगे 38 प्रश्न, और इनका लेवल बढ़ाया जाए, जो कुछ भी हमने डिस्कस किया इससे ज़्यादा डिस्कस किया जाए क्वेश्चन को, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कमेंट में जरूर बताना, और आज से ये क्लासें आपको देखने को रोजाना मिलेंगी, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में रखते हैं, धन्यवाद।